पुरोइक स्टूडेंट यूनियन का 13 फाउंडेशन डे है, 12 साल हो चुका है पुरोइक स्टूडेंट यूनियन का जो गठन किया हुआ, लेकिन आज 10 तारीख से लेके आज 12 तारीख आज क्लोजिंग डे है। ये 12 साल के बाद में फर्स्ट फाउंडेशन डे 13 फाउंडेशन मना रहा है, लेकिन पहली बार मना रहा है पुरोइक स्टूडेंट ऑल पुरोइक स्टूडेंट यूनियन, और उसका मैं पेट्रन होने के नाते उनका साथ दे रहा हूँ। पुरोइक ऐसे एक समाज है जो बॉर्डर एरिया में पिछड़ा हुआ है और बॉर्डर एरिया में बैठा हुआ है, ईस्ट कमिंग वेस्ट कमिंग में है, पपुम परे कुरुंग में करा दादी में, और उन लोग का पॉपुलेशन करीबन 20,000 है अभी, लेकिन उनको मैक्सिमम पुरोइक जो है उनको जाना जाता है एक बॉन्डेड ट्राइब का रूप में, और निशी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, और निशी समाज का हम जो है वो एक भाई बहन का रूप में अभी तो बेटा हो एक रिलेशन है, और ऑल सब ट्राइब भी माना जाता है, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश में पुरोइक समाज एक ऐसे समाज होगा जिसका अपना जगह नहीं, अपना लैंडलेस का ट्राइब के रूप में बिता हुआ है, और आज हम चकमा हाजुंग और तिबिदिन का बारे में यहाँ अरुणाचल में बहुत चर्चा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसे समाज का बारे में हमें चर्चा करने का समय आ गया जिस समाज का पास में कोई लैंड नहीं है, अपना जगह नहीं है, और वो हर अरुणाचल प्रदेश का कोना कोना में जाके काम शाम कर लेता है, खेती बाड़ी करके घूमता है। तो गवर्नमेंट ने अर्ली 2000 में कुछ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाया, सजेशन में कुछ दिया है, और वो जो है सक्सेस नहीं हुआ, तो ये समाज को अभी आगे ले जाने में सभी अरुणाचल का बाकी समाज भी साथ देना चाहिए और सरकार को साथ देना चाहिए। अभी कुछ 10-15 साल पहले जो पुरोइक समाज था वो अभी नहीं है, तो उनका समाज अभी पर शिक्षित हो रहा है, और जगह जगह पुरोइक जो गांव में तो स्कूल खुला है हुआ है, लेकिन अगर सरकार जो ये स्कूल जो खुला हुआ है लेकिन वो टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, विद्यार्थी है लेकिन टीचर नहीं है, तो उसके वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिगड़ा हुआ है। लेकिन जितना तक 15-20 साल पहले समाज जो था पुरोइक समाज का, वो समाज अभी वो लोग उभरता एक समाज है, तो उन्हें शिक्षित हो रहा है, कोई ऑफिसर बन गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर गिरी में करता है, लेकिन बहुत कुछ समाज को पुरोइक समाज को बहुत आगे और बढ़ने में कुछ सरकार को साथ देने से उन लोग का गांव में स्कूल ठीक हो, मेडिकल हो, ताकि बीमार से आदमी ना मरे, शिक्षित हो के अपना समाज को आगे ले जाने में शिक्षित लोग है वो काम है, उसके लिए शिक्षा का जो इसमें क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, और समाज का जो शिक्षित लोग है वो भी शिक्षा जो को एजुकेशन को और बाकी भाई बहन को आगे ले जाने से तब समाज आगे बढ़ेगा सोचता है। और जहाँ तक है जितना साल साल ऐसे देखा जाए तो पहले जो पुरोइक समाज था वो नहीं, अभी वो लोग एक उभरता हुआ एक समाज है।